नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। दिल्ली में चार दिन की हिंसा के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन दंगे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। दंगे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दंगे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देखकर दंगे के दौरान दिल्ली की सड़कों पर फैली दहशत का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली में दंगे के बाद अब हालात पटरी पर लौट रहे हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर है, लेकिन आज भी गोकुलपुरी इलाके से चेकपोस्ट हिंसा की तस्वीर सामने आई। गोकुलपुरी में कबाड़ की एक दुकान में आग लगा दी गई। दुकान को दंगाइयों ने फिर जो है अपने निशाने में लिया है और यहां पर आग लगाई है। दुकान पूरी धू धू करके जो है चल रही है। आग की लपटें जो है इस वक्त गगनचुंबी है। धुआं जो है पूरा धुएं का गुब्बार इस वक्त आसमान में है और लगातार जो है दुकान के अंदर भी जो है छोटे छोटे ब्लास्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि ये स्क्रैप मार्केट है, बहुत सारा सामान रखा हुआ था। हम आपको बता दें कि कल भी इस पूरी स्क्रैप मार्केट को दंगाइयों ने अपने निशाने पर लिया था और परसों रात को भी इसी मार्केट में दंगाइयों ने आग लगाई थी। फिलहाल ये अभी सुबह की तस्वीरें आप जहां देख सकते हैं कि लगातार पुलिस स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये गोकुलपुरी इलाका है जहां पर ये स्क्रैप मार्केट है और दंगाइयों ने इस दुकान में आग लगा दी है। दंगे के वक्त दिल्ली कैसे सुलग उठी थी, उसकी नई नई तस्वीर सामने आ रही है। दंगाई इस कदर बेकाबू हो चुके थे कि उन्होंने स्कूल तक को नहीं बख्शा। मुस्तफाबाद के ब्रिजपुरी इलाके में दंगाइयों ने एक प्राइवेट स्कूल में आग लगा दी। ये स्कूल जो है जला दिया गया है। पहले अंदर की तरफ की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूंगा। स्कूल के अंदर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से स्कूल के अंदर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो स्कूल की बस खड़ी हुई थी, उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। और इसके बगल का जो घर है वो अभी भी उसके अंदर आग लगी हुई है, आग की लपटें निकल रही हैं, धुआं जो है वो निकल रहा है। तमाम यहाँ पे जो वॉशरूम है वो आप देख सकते हैं स्कूल के, वो जला दिए गए हैं। जगह जगह यहाँ पर आगजनी की गई है। स्कूल तक को नहीं छोड़ा दंगाइयों ने, स्कूल तक में ये देखिए ये कोई स्टोर रूम टाइप लग रहा है। अंदर ये आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कागज जो है वो सब जला दिए गए हैं। यमुना विहार में दंगाइयों ने कई घरों में आग लगा दी, पेट्रोल पंप को भी नहीं छोड़ा और सड़क पर खड़ी एक एक गाड़ी को जला डाला। दंगाइयों ने किस कदर उत्पात मचाया उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही है। भजनपुरा इलाके से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां सड़कों पर जली हुई गाड़ियों का अंबार लगा है। तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, ई रिक्शा खड़ी हैं, वो जल कर राख हो चुकी है। आप ये तस्वीरें देखें कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं कि किस तरीके से जो पूरी गाड़ियां हैं, ई रिक्शा हैं, वो जल कर राख हो चुकी है। कई गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई थी, बीती रात ये हिंसा में जलाई गई हैं दंगाइयों द्वारा। आप देखें कि तमाम जो गाड़ियां हैं, हालांकि कल जहां दंगाइयों का राज था वहां अब कानून का राज कायम है। मौजपुर और बाबरपुर इलाके में पुलिस की कड़ी निगरानी है, तो जाफराबाद और बाबरपुर में दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। मौजपुर, चांदबाग, कबीर नगर, किदवई नगर जो मेरे दाहिने तरफ है, यहाँ जिस तरीके के हालात पिछले 3 दिनों से बने हुए हैं, ऐसी तस्वीर दोबारा ना दिखे दिल्ली में। दिल्ली में दंगों को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दंगों के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से सवाल पूछती है। नंबर एक, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री
कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे। नंबर दो, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे। नंबर तीन, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई। नंबर चार, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं। नंबर पाँच, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च तक सुनवाई टाल दी। शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन को देश की सबसे बड़ी अदालत से एक और तारीख मिल गई है। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए 23 मार्च तक सुनवाई टाल दी कि अभी सुनवाई के लिए सही माहौल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक सड़क प्रदर्शन के लिए नहीं है, लेकिन कोर्ट के मुताबिक अभी माहौल इस केस की सुनवाई के लिए ठीक नहीं है। कोर्ट ने मध्यस्थों से कहा कि उनकी तरफ से दी गई रिपोर्ट कोर्ट ने देख ली है। वहीं पुलिस के लिए कोर्ट ने कहा, पुलिस अपना काम सही तरीके से करे। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 13 जिंदगी कम नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी। सर्वोच्च न्यायालय में इस जो दिल्ली में हुए हालात पर भी चर्चा करी और टिप्पणी करी कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, और ऐसा ये एटमॉस्फेयर नहीं है आज की डेट में कि हम इस मामले पर चर्चा करें। हम सभी को, सारे स्टेक होल्डर्स को, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, सभी संगठनों को आगे आना होगा और इस ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि इस मामले पर चर्चा कर सकें। और कोर्ट ने इस मामले में डाली गई बाकी सभी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करा गया और ये कहा गया कि इस पिटीशन का रोल लिमिटेड है और रोल ये है कि आप रास्ता ब्लॉक कर सकते हैं या नहीं, आपके रास्ते ब्लॉक करने का राइट है या नहीं। तो पब्लिक रोड को आप ब्लॉक नहीं कर सकते। इसको लेकर के माननीय न्यायालय ने कहा कि ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है आज की डेट में कि इस मामले की सुनवाई हो सके। इस बीच शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है और कालिंदी कुंज सड़क पिछले 70 दिनों से बंद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उसने प्रशासन को एक्शन लेने से नहीं रोका है। कोर्ट ने कहा कि अब मामले की सुनवाई होली के बाद होगी और तब तक हालात सामान्य हो जाएंगे।